अभी तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, वो अगर इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर देगी तो स्वाभाविक रूप से वो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। ललन बाबू ने खुद कहा, उन्होंने मीटिंग में कहा कि पहले भी वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार किया था और अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगातार बाहर रहना होगा, इसलिए उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि वो स्वीकार करें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया। नाराजगी, बिल्कुल, इतना नया शब्द आप कहाँ से ला रही हैं जी? ये इस शब्द का तो कहीं कोई जिक्र नहीं है चौधरी जी। अभी सिर्फ जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ने के कारण लगातार बाहर रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने इच्छा जाहिर की कि इस बीच माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अध्यक्ष का पद भी संभाले, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। इसलिए फिल अभी तो हमारे पार्टी पर भी कोई असर, दोनों वरिष्ठ नेता हैं, और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू थे तभी मुख्यमंत्री की प्रभावी भूमिका थी, अब मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, फिर भी ललन बाबू की प्रभावी भूमिका रहेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अब हम स्वयं चुनाव लड़ेंगे, इसलिए लगातार बाहर रहेंगे, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया, मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। और हमने कहा कि दोनों पहले प्रभावी दोनों की भूमिका होती थी, आगे भी रहेगी। अभी तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, वो अगर इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर देगी तो स्वाभाविक रूप से वो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। ललन बाबू ने खुद कहा, उन्होंने मीटिंग में कहा कि पहले भी वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार किया था और अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगातार बाहर रहना होगा, इसलिए उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि वो स्वीकार करें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया। नाराजगी, बिल्कुल, इतना नया शब्द आप कहाँ से ला रही हैं जी? ये इस शब्द का तो कहीं कोई जिक्र नहीं है चौधरी जी। अभी सिर्फ जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ने के कारण लगातार बाहर रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने इच्छा जाहिर की कि इस बीच माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अध्यक्ष का पद भी संभाले, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। इसलिए फिल अभी तो हमारे पार्टी पर भी कोई असर, दोनों वरिष्ठ नेता हैं, और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू थे तभी मुख्यमंत्री की प्रभावी भूमिका थी, अब मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, फिर भी ललन बाबू की प्रभावी भूमिका रहेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अब हम स्वयं चुनाव लड़ेंगे, इसलिए लगातार बाहर रहेंगे, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया, मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। और हमने कहा कि दोनों पहले प्रभावी दोनों की भूमिका होती थी, आगे भी रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।